हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि बायोलॉजी का पेपर बहुत पास आ रहा है, तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। यू नो वेरी वेल कि क्लास 12th का ये टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको ऐसे ही रेगुलर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मिलेंगी, लाइक कुछ टॉपिक्स की सीरीज मिलेंगी, तो आप उनको फॉलो करना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देखो बेटा, यहाँ पर होता क्या है, हमारे ना कुछ नेमाटोड्स होते हैं। कुछ नेमाटोड, बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर पैरासाइट्स। ये जो कुछ नेमाटोड्स होते हैं, ये हमारे बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी को इफेक्ट करते हैं, या हम बोलते हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर पैरासिटिक फॉर देम, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को, और साथ में ह्यूमंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर ना एक केस देखा गया है, एक स्पेसिफिक केस देखा गया है टोबैको प्लांट का। तो यहाँ पर जो हमारा एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, वो टोबैको प्लांट्स को लेकर कर रखा है। तो ये देखा गया है कि जो टोबैको प्लांट्स है ना, उसको एक नेमाटोड इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, हम ये कह सकते हैं। दैट नेमाटोड इज मेलोइडीजाइन इनकोग्निशा, या इनकोग्निटा, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं। इसका स्पेलिंग INCOGNITA, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, होता क्या है एक्चुअल में, ये जो पैथोजन है ना, जो आपका मेलोइडीजाइन इनकोग्निटा है, ये आपके टोबैको प्लांट के रूट्स को इफेक्ट करता है, रूट्स को इन्फेक्ट करता है, एंड उनका उसको इफेक्ट करने की वजह से जो टोबैको प्लांट्स का यील्ड है, उस यील्ड के अंदर कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो आपका पैरासाइट है, ये इनके रूट्स को इन्वेड कर लेता है, और यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर देखा गया है कि इनके रूट्स के अंदर गांठे सी बन जाती है। जैसे मान लो ये रूट है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नोड्स बन जाते हैं, गांठे टाइप स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिनको यहाँ पर नोड्स बोला जाता है। एक्चुअल में दे आर रूट नोड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर ना एक स्ट्रैटेजी यूज की गई है, एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है, जिसको आप आरएनए इंटरफेरेंस ही बोलते हो। ये स्ट्रेटजी इसी पर ही बेस्ड है कि आरएनए की इंटरफेरेंस होती है। देखो होता क्या है, जो आपका आरएनए इंटरफेरेंस है ना, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। और एक ये मेथड है एज अ सेलुलर डिफेंस। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है वो देख लीजिए। देखो यहां क्या होता है, यहां इंटरफेरेंस में एक किसी जीन की साइलेंसिंग की जाती है। देखो बेटा, अगर ये नेमाटोड आपके प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है दिस इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन, ये कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हमारा डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको एक्चुअल में क्या करना है, इस प्रोटीन बनने को रोकना है ना, ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई भी पैथोजन किसी यूकेरियोट को अटैक करता है, तो यूकेरियोटिक सेल बेसिकली क्या कर देते हैं, जीन को साइलेंस कर देते हैं। कौन सी जीन को, जो एक्चुअल में पैरासिटिज्म वाली जीन है। तो इसका मतलब पैरासिटिक प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो फर्दर प्लांट को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, देयर इज लाइक हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनता है, जो आपका बाइंड कर जाता है एमआरएनए के साथ। यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, जो आपका बाइंड कर जाता है इस एमआरएनए के साथ, और फर्दर क्या हो जाती है, इस एमआरएनए, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं करा पाता, जिसकी वजह से आपकी जीन साइलेंसिंग हो गई, आपका फर्दर क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वे इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो अब बात ये है कि इस प्लांट के अंदर आप ये जीन कहाँ से लाओगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बने हैं, ये कहाँ से बने हैं। तो यहाँ पर क्या करते हो,
कुछ हमारे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांसपोजोन कहते हो, या आप एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज करके, क्या यूज करते हो, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज करते हो जो आपके इंट्रोड्यूस कराते हैं यहां पे नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो यहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस आरएनए और एक सेंस आरएनए ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये आपका फर्दर किससे कंबाइन कर जाता है, एमआरएनए से कंबाइन कर जाता है। तो अब आप बोलोगे कि क्या यहाँ पर थ्री स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए के? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली कुछ डाइसर हमारे एंजाइम्स भी होते हैं जो इनको क्लीव करने का काम करते हैं, तो वो ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना। तो फर्दर यहाँ पे कहानी इतनी ही है कि आपका जो एमआरएनए था वो फर्दर ट्रांसलेट होने से रुक जाता है, जिससे आपके टोबैको प्लांट्स आपके इन्फेक्ट होने से बच जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो पूरी कहानी है इसको आप क्या बोलते हो फिर, आरएनए इंटरफेरेंस। इसको एक बार बच्चे एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज करना ये देखने के बाद, देन आपको मोर क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। और आपको और ऐसे ऐसे टॉपिक्स में रेगुलर अपलोड करती रहूंगी, दैट विल बी